गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल गुढ़ागौड़ जी। तो देखिए, पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने अरेनियस थ्योरी पढ़ ली, ब्रोस्टन थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ ली, और कल के जो वीडियो में था कल हमने लेविस कॉन्सेप्ट में एसिड के बारे में पढ़ा था कि लेविस एसिड कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए लेविस एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेविस। तो देखिए, जो कोई भी स्पीसीज या सब्सटेंस जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर में गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर में लेता है, तो उसको अपन एसिड कहेंगे। उसको अपन क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। उसको अपन क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, और या फिर उसको लेविस एसिड कहेंगे, क्योंकि लेविस ने बताया था इसलिए अपन उसको लेविस एसिड कहेंगे। तो देखिए, मैंने कल बताया था कि लोन पेयर क्या होता है। अगर किसी भी स्पीसीज पे अगर इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग में है, इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग में है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग में है और वो पेयरिंग अगर कोई भी स्पीसीज अगर गेन करती है, तो उसको अपन एसिड कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयरिंग में लेगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयरिंग में गेन करते हैं, तो अपन उसको एसिड कहेंगे। तो कल मैंने बता दिया था, जैसे मैंने BF3 और NH3 के बारे में बताया था। तो आज का जो लेक्चर है वो भी क्या लेविस बेस पे है। तो देखिए, लेविस बेस क्या होता है? दोज सब्सटेंस और स्पीसीज विच आर लूज इलेक्ट्रॉन इन पेयर आर कॉल्ड लेविस बेस। यानी कोई भी स्पीसीज या सब्सटेंस जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करता है, तो वो लेविस बेस कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को अगर पेयर में डोनेट करता है तो वो लेविस बेस कहलाता है अकॉर्डिंग टू लेविस। तो देखिए, सपोज दैट अपने पास कोई ए स्पीसीज है और बी भी क्या है, कोई स्पीसीज है। तो अगर ये बी स्पीसीज है, अगर ये बी स्पीसीज के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर अगर ए स्पीसीज क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तब तो ये ए तो हो जाएगा एसिड, और ये बी स्पीसीज है, ये डोनेट कर रही है, यानी क्या कर रही है, पेयरिंग में डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में डोनेट कर रही है, इसलिए हो जाएगा बेस। और जब ये एक दूसरे से इस प्रकार से एक्सचेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं, तो इनके मिडल में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, बेस क्या होता है, लेविस बेस को समझने के लिए, सपोज दैट अपने पास NH3 है, NH3 की रिएक्शन होती है BF3 के साथ। तो देखिए, NH3 के पास क्या है, जैसे मैंने कल बताया था कि नाइट्रोजन के पास लास्ट सेल में, जैसे KLMN अकॉर्डिंग अपन लास्ट सेल में, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट एल सेल में उसके पास फाइव इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो जैसे मैंने बताया था, देखिए 4 सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होते लास्ट सेल में, तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए फिर इसको इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन के पास एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, इसलिए ये क्या करेगा, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, लोन पेयर क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, इसलिए ये तो हो गया बेस और ये हो गया एसिड। और ये जो बॉन्ड बना है, यानी ये जो बॉन्ड बना है, इसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। इसी प्रकार देखिए, H2 और PCl तरह की बात करते हो, देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे PCl है जो क्या रखता है, वेरिएबल वैलेंसी रखता है, PCl जो है वो वेरिएबल वैलेंसी रखता है। तो देखिए, PCl वेरिएबल वैलेंसी रखता है, तो इसका कैसे पता लगेगा, तो देखिए जैसे मैंने लिखा PCl, तो इसका लिखता हूँ, तो इसका 15 होता है, या कितना आता है, टर्मिनल 15 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 3p3, यानी लास्ट पी सेल पी ऑर्बिट में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर करते हैं, तो देखिए ये 1, 2 एंड 3, ठीक है, थोड़ा सा ये अलग हटके है, इसलिए मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ये वेरिएबल रखता है, +3 भी रखता है, +5 भी रखता है, ये वेरिएबल रखता है। तो देखिए, फिर इसके पास क्लोरीन हो गए, इसके Cl एंड क्लोरीन, ठीक है। अगर अब प्लस में बात करते हैं किसकी, H2O की, तो H2O में इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, अब ये क्या रखेगा, लोन पेयर रखता है, ये क्या रखेगा, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर। तो देखिए, यहाँ पे ये स्पीशीज है, यानी ये वाली स्पीशीज इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और कैसे किया गेन, वो भी पेयरिंग में गेन किया है, इलेक्ट्रॉन कैसे गेन किया है,
पेयरिंग में गेन किया है। इसलिए ये जो PCl3 है, यहाँ पे PCl3 है ना, PCl3 इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और H2O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे PCl3 है, यहाँ पे PCl3 जो है यानी फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, सॉरी ट्राइक्लोराइड है, तो यहाँ पे ये जो PCl3 है ये तो हो जाएगा आपका एसिड, ये तो हो जाएगा एसिड, और इसने क्या किया है डोनेट किया, इसलिए ये हो जाएगा H2O, ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे ये क्या है बेस है, क्योंकि यहाँ पे PCl है ये फास्फोर वेरिएबल वैलेंसी रखता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके समझ लेना कि इसमें लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, तो ये वेरिएबल वैलेंसी रखता है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा जो मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दिया था, तो इसका आंसर यहाँ से ये हो जाएगा ये, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए इसकी, इस प्रकार से PCl3 का होता है, क्योंकि ये PCl3 जो है ये गेन करेगा और H2O है इसमें ऑक्सीजन, ये क्या करेगा इसको डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये H2O, ये तो हो जाएगा बेस और PCl3 हो जाएगा एसिड, तो ये बेस हो जाएगा, इसको अपन लेविस बेस कहेंगे, इसको अपन लेविस एसिड कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दोज स्पीसीज विच हैव वन और टू लोन पेयर आर आल्सो कॉल्ड लेविस एसिड, इन कोई भी स्पीसीज है, इन कोई भी स्पीसीज है, अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा कि अपन का एसिड कौन सा है बेस कौन सा है, तो अगर कोई भी स्पीसीज होता है, अगर उस स्पीसीज में अगर कोई भी स्पीसीज अगर लोन पेयर रखती है, क्या रखती है लोन पेयर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग रखता है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग चाहे वो वन हो टू हो थ्री कितने भी लोन पेयर रखता हो, तो वो स्पीसीज एब्सोल्युटली क्या होगी बेस होगी, वो स्पीसीज क्या होगी बेस होगी, वो स्पीसीज एब्सोल्युटली क्या रहेगी बेस रहेगी। तो जैसे मैंने नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन पे देखिए वन लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, तो डेफिनेटली स्पीसीज क्या हो गई, ये स्पीसीज क्या हो गई बेस हो गई, स्पीसीज क्या हो गई ये बेस हो गई, क्योंकि इनके पास वन वन, इसके पास वन लोन पेयर और इसके पास 2 लोन पेयर है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, जहाँ कोई भी स्पीसीज होती है अगर वो पेयरिंग करती है, अगर वो क्या करती है पेयरिंग करती है, तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, वो स्पीसीज क्या हो जाएगी लोन पेयर वाली स्पीसीज क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो ये किसने बताया था, लेविस ने बताया था। आगे अगर अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे देखिए स्पीसीज में क्या था, और वहाँ पे हमने जो एसिड के बारे में पढ़ा था, तो एसिड के बारे में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कोई भी स्पीसीज है अगर उसमें ऑक्टेट अनकम्प्लीट है, उसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट है या इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो वहाँ वो क्या हो जाएगा लेविस एसिड हो जाएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर वाला क्या हो जाएगा लेविस बेस हो जाएगा। डेंस स्पीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड लेविस बेस, तो डेंस यानी जिस पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो ऐसे अपन क्या कहेंगे डेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, यानी डेंस डेंस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लास्ट चेन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो अपन उसको क्या कहेंगे डेंस स्पीसीज कहेंगे, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वहाँ मैंने क्या बताया जिसका ऑक्टेट कम है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो तो होता है एसिड, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डेंस होता है वो होता है बेस। तो देखिए जहाँ मैंने कल बताया था कि देखिए देखिए सोडियम लिखा मैंने, ठीक है, तो सोडियम देखिए KLMN, देखिए सोडियम में देखिए 2H1, ठीक है, तो इस एम सेल में देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे 1 ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया डिफिशियंट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसको अपन क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इसी बार अगर मैं लिखता हूँ क्लोरीन लिखता हूँ, क्लोरीन का 17 होता है, तो 2H7, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे 1 था इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 लास्ट शेल में, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंस है तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज कैसे आएगा, चार्ज कैसे आएगा माइनस का आएगा, इसलिए क्लोरीन माइनस हो गया। आप ये मान सकते हो जिन स्पीसीज लगभग स्पीसीज ऐसी है जिनके माइनस का चार्ज होता है, तो वो क्या होगी स्पीसीज क्या होगी लेविस बेस, जैसे ऑक्सीजन लगा ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो ये क्या हो गई लेविस बेस हो गई। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ये भी बेस है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे क्या है लेविस बेस है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है। तो देखिए लेविस बेस तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला था पेयरिंग में, और एसिड क्या होता है इलेक्ट्रॉन को आप पेयरिंग में गेन करने वाला था, तो एसिड बेस होते हैं। इस प्रकार से ये आपका कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस क्या होता है, तो आई होप आपके समझ में आएगा। तो आप लोग अरेनियस थ्योरी, ग्रोशन लोरी और लेविस कॉन्सेप्ट इनको कंपेयर करके आप स्टडी कीजिए, इनको कंपेयर करके स्टडी कीजिए, वरना तो ये समझ में नहीं आएगा, तो इनको आप कंपेयर कीजिए कि अरेनियस क्या थी,
वर्सेंट क्या थी और लेविस गेन क्या थी, इनमें क्या क्या पॉइंट थे, उनको आप कंपेयर कीजिए तो वह आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।